लड़के को छोड़, चल इस लड़की को पकड़ते हैं। हाँ चल चल। ओए राखी जल्दी कर। हाँ चल। अपना मुझको अब कौन कहे। न्यू स्टूडेंट हो? हाँ अंबिका नाम है। अच्छा तो अंबिका अपना कान पकड़ और उठक बैठक कर। उठक बैठक? हाँ उठक बैठक। चल उठक बैठक कर। पर क्यों? बोला ना क्यों का जवाब नहीं है। चल जैसा बोला है वैसा कर। उठक बैठक कर। मैं नहीं करूंगी। क्या बोला तूने? नहीं करेगी? नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं करूंगी। तेरी तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? सर तू भूल गया क्या? तू कहाँ खड़ा है? हाँ भूल गया है? पता है मुझे कि मैं तुम्हारे कॉलेज में खड़ा हूँ, लेकिन मैं ऐसे कोई तुम्हारे कॉलेज में फ्री में नहीं घुसा हूँ। एडमिशन के पैसे दिए, वो भी 80,000। 80,000? हाँ 80,000, और वो कम नहीं है। किसने तेरा हाथ पकड़ा? तूने राखी के साथ जुबान लगा के बहुत गलत किया। वो बहुत गुस्सैल है, अब पता नहीं वो क्या करेगी। करने दे उसे जो कहेगा। क्या बोला था तूने? पैसे देकर एडमिशन किया है ना? 80,000। चल 1,00,000 दिए, उठा और निकल मेरे कॉलेज से। तुम्हारे पैसे तुम अपने पास रखो और अगले 3 साल तक मैं कॉलेज से नहीं जाने वाला। तुम्हें जो करना है कर लो। चल राज। इसकी हिम्मत कैसी हुई? हाँ राखी ये क्या कर रहे थे तुम? निमिता तुम लोग राखी को समझा नहीं सकते थे? मेरे जाने से टूटा है तू, जुड़ा है क्यों? मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों? हक नहीं तू ये कहे कि यार। अरे दोस्त। अरे तुम यहाँ पे? और हाँ तुमने मुझे अभी तक अपना गर्लफ्रेंड से नहीं मिला है। तुम जानते हो उसे? मैं जानता हूँ, पर कौन है वो? वो राखी है। क्या राखी तुम्हारा गर्लफ्रेंड? हाँ। दोस्त एक अच्छा बात बोलो, राखी तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम भूल जाओ उसे। हाँ हाँ मुझे पता है राखी थोड़ी सी गुस्से में, लेकिन वो दिल की बहुत साफ है। हाँ हाँ कितनी दिल की साफ है, एक नंबर की साफ है साफ। ठीक है दोस्त तुम्हारा लाइफ है तुम समझो, लेकिन दोस्त एक बात बोलो यार, प्लीज प्लीज राखी को थोड़ा समझाओ, उसे मतलब कॉलेज में ऐसे रैगिंग करके क्या मिलेगा। ठीक है दोस्त मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है दोस्त तो फिर बाद में मिलते हैं। ओके चल अच्छा। राखी मेरी बात समझो। देवा तुम प्लीज चुप हो जाओ, तुम एक काम करो तुम घर चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी अभी। तुम एक बार तो मेरी देवा बात... मैंने कहा ना तुमसे मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। एक काम करती हूँ मैं ही घर चले जाती हूँ। मिमिता जाना कल मिलते बाय। उस लड़के का इतना हिम्मत, वो मुझसे जबान लड़ाएगा, ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। कल तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंबिका। और मेरा नाम राहुल है। और जो कल वाली लड़की थी ना कॉलेज में, जो भी न्यू स्टूडेंट आता है उसके साथ रैगिंग करते हैं, पर तुम घबराओ मत, मतलब अब से तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगा तुम मुझे बता सकते हो। देखो वो लड़की ना बहुत ही बदतमीज़ है, वो किसी से ढंग से बात भी नहीं कर सकती। मैं बदतमीज़ ही तो अब मैं तुझे दिखाऊंगी। पर तब तक जब तक कोई न्यू स्टूडेंट ना आ जाए, जब कोई न्यू स्टूडेंट आ जाएगा वो तुम्हारे साथ और रैगिंग नहीं करेगा। पर तुम घबराओ मत मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये सब ना इस लड़की की वजह से हो रहा है, इस लड़की की तो मैं
है, मैं अभी चलती हूँ। तो मैं ये तो ऊपर रह रहा है, अब मैं क्या करूं क्या करूं। हाँ, आते ही पानी डालूंगा। ऊपर आना मत, वरना पानी डाल दूंगी। अरे डर क्या रहे हो, पानी क्यों डाल रहे हो? आना मत, मैं बोल रही हूँ आना मत। पानी क्यों डाला? मैंने तुम्हें पानी नहीं डाला, मैं तो उस लड़की में पानी डाल रही थी, तुम पानी के नीचे आ गए। तुम न्यू स्टूडेंट को इतना परेशान करते हो, तुम थकते नहीं हो क्या? नहीं थकती। तुम साइड हटो, मुझे जाना है। थैंक यू। वेलकम। ध्यान से जाओ। थैंक यू, वेलकम। ध्यान से जाना। 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 ध्यान से जाना। जाना, आज उस लड़की के साथ ऐसा रैगिंग करेंगे कि वो लड़की जिंदगी भर याद करेगी। हाँ मिमिता, चल चल। हाँ राखी, वो राखी। हाँ चल राखी। हाँ? आज उस लड़की को हम बताएंगे कि हम क्या है। मिमिता, आज ना मेरा रैगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुझे हो क्या क्या है? वही तो नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, पर हाँ मुझे रैगिंग करने का जरा सा भी मन नहीं है। बहुत दिन हो गए ना हमने मस्ती नहीं करी। चल ना झरना, नीता थोड़े मस्ती करते हैं। मस्ती करनी है तुझे? हाँ ठीक है, तो फिर चल 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 चल। मैं वहाँ। हाँ, तुम यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ। जाना, राखी ये अकेले में किससे सब बात कर रही है? तुम जाओ ना, प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज चले जाओ, प्लीज तुम यहाँ से जाओ, प्लीज मैं कह रही हूँ ना, तुम यहाँ से जाओ। जाना, मुझे डर लग रहा है। देखो, मैं कह रही हूँ, तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी। चलो जाओ, जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ तुम्हारे पास। लोग मुझे पागल बोलेंगे, चलो जाओ जाओ, वरना अभी मिमिता और झरना देख लेंगी। जाओ ना, प्लीज जाओ। लगता है मिमिता राखी भूत से बात कर रही है। भूत से? चल राखी के पास। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा, हमारी दोस्त है। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने कहा ना तुम यहाँ से चले जाओ। राखी तुम दोनों। अच्छा वो चला गया। राखी तू अभी किससे बात कर रही थी? तुम लोग ने भी देखा? हाँ, हमने देखा ना। पर जन्ना, हमने तो कुछ देखा नहीं। चुप चुप चुप, झूठ बोलना होता है झूठ। देख, मैंने उसे बात करने नहीं बुलाया, वो खुद ही बात करने आ गया, मैं तो उसे भगा रही थी। मिमिता, झरना समझ में नहीं आ रहा है, पर ना मुझे उसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है निमिता, बता रहा क्यों हो रहा है? मुझे क्या पता होगा, तुझे पता होना चाहिए ना, तुझे पता होना चाहिए। हाँ मुझे पता होना चाहिए, पर मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे वो अच्छा क्यों लग रहा है। निमिता, राखी को बाबा जी के पास लेके जाना ही होगा। रुक, मैं कुछ करती हूँ। राखी, हाँ? वो देख कबूतर। चल, इसे घर लेके चलते हैं, बाबा जी को दिखाना होगा। चल। जाना, बाबा जी को कॉल किया? हाँ, मैंने बुलाया। देखा ही नहीं। मैं अकेले में नहीं बड़बड़ा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। राखी, बोलना कौन है वो लड़का और वो क्या करता है, नाम क्या है उसका? तुम दोनों को जानना है तो चलो मेरे साथ। आओ, तुम दोनों को मैं दिखाती हूँ कि मैं किससे प्यार करती हूँ। क्या हुआ राखी, तू रुक क्यों गई? और तू तो उस लड़के को दिखाने वाली थी ना जिससे तू प्यार करती है। जाना, निमिता, एक घंटे के अंदर मुझे ये लड़के चाहिए मेरे अड्डे में, किसी भी हाल में। हाँ, काम हो जाएगा। अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो। राखी, ले आए हम इसे। मुझे क्यों लाए हो यहाँ, मैंने क्या किया है? झरना, राखी ये क्या कर रही है? राखी तो किसी पे हाथ नहीं उठा देना। वही तो, झरना, राखी तो इस लड़के को मार डालेगी। राखी, राखी छोड़, राखी छोड़ इसे, राखी छोड़, राखी छोड़। तुम जाओ यहाँ, निकलो यहाँ से, जल्दी। छोड़ मुझे, मैं मार डालूँगी इसे। छोड़, राखी, तुझे हो क्या गया? तू किसी को भी हाथ तो नहीं उठा दिया ना? तू इस लड़की को मारने क्यों चाहती है तू? राखी, हम रैगिंग करते हैं, पर किसी को भी हाथ उठाना ये गलत है। आखिर मारना क्यों चाहती है तू? जानना है ना, क्यों मारना चाहती हो? इस लड़के को देख के मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। पर क्यों? क्योंकि ना राखी, क्या हुआ बोल। आई थिंक आई एम इन लव राहुल के साथ। राहुल के साथ? वो नया लड़का? हाँ, इसलिए तो वो लड़की को मारना चाहती थी क्योंकि वो राहुल के साथ थी। हाँ। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो? या उस लड़की ने, तू चल मेरे साथ। इसका मतलब तुझे प्यार हो गया है? सच में? और वो भी राहुल से? पर राहुल तो इस लड़की को शायद प्यार करता है। इस लड़की को हम हटा देते ना, तू टेंशन क्यों ले रही है? सच्ची? हाँ। राखी,
क्या कर रहे थे तुम अंबिका के साथ? हाँ बोलो, तुम उसे मारना चाहते हो ना? मारो मारो, मार दो। यही चाहते हो ना तुम कि तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारा रूल्स चलेगा, अगर हम कुछ बोलने जाए तो हम लोग को कॉलेज से फिकवा भी आ जाएगा। हम लोग कॉलेज में पढ़ने आते कि फ्यूचर में जाके कुछ बने, पर तुम्हारे रैगिंग से बचे तब ना। और तुम अम्बिका को मारना क्यों चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो कि तुम डॉन हो? हाँ हम लोगों को पता है कि तुम डॉन की बहन हो, इसका मतलब तुम भी तुम्हारे भैया की तरह डॉन बनोगी? मैं डॉन नहीं बनना चाहती, मुझे इस लड़की पे गुस्सा आया इसीलिए। क्यों, क्या किया इसने? बोलो। देखो राखी, अब से अम्बिका से दूर रहना, अम्बिका मेरा छोटी बहन है। चलो अम्बिका। छोटी बहन? तो वो क्या था? देखो मैं तो बस उसके साथ आया था, उसने बोला था कि चलो मैं चलता हूँ। रुक, इधर आ। वो राहुल तब अंबिका से क्या बात कर रहा था? वो तो अंबिका को क्या हुआ अंबिका, इतना उदास क्यों बैठी हो? तो मैं क्या करूँ, कॉलेज में मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, मेरी कोई दोस्त भी नहीं है, और ऊपर से ये रहेगी। अंबिका घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारा भैया। भैया? हाँ, और तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी लगती हो। और आप मेरे बड़े भैया जैसे। भैया दत्त तेरी, राहुल ने अंबिका को बहन माना है, तू जा। ठीक है। मिमी, झरना, अब क्या होगा? जो तू चाहेगी वही होगा।